किसी भी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। पाकिस्तान में 2,60,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का स्कूल से बाहर होना तश्वीशनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दहशतगर्दी मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर ही एटमी ताकत बना। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का भी पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल पर इजहार तश्वीश। कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा पाकिस्तान में तालीम के बहरान का सामना है। फौरी इकदामात से स्कूल्स में बच्चों के इंदराज की शरह बढ़ानी होगी। तालीम से मुतालिक 2030 के आलमी अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाना होगा। लाहौर का जीपीओ चौक अखाड़ा बन गया। पुलिस और वकला के दरमियान वक्फे से झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज, शेलिंग, वाटर कैनन से धुलाई। वकला का भी पथराव, एसपी समेत 10 अहलकार जख्मी। 20 से ज्यादा वकला को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान बार की कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल, वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। रैलियां भी निकाली जाएंगी। वकला सिविल अदालतों की मुंतकली और दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। वकला के पथराव से जवानों और अफसरान के सर फटे। पुलिस अपनी मदईयत में मुकदमा दर्ज कराएगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की गुफ्तगू, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की पुलिस को वकला के खिलाफ ताकत इस्तेमाल न करने की हिदायत। कहा शहरियों के तहफ्फुज के लिए महाजराई से गुरेज किया जाए। शेर अफजल मरवत की छुट्टी, चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल। वानी पीटीआई ने भी मंजूरी दे दी। ओहदे के लिए अली मोहम्मद खान का नाम भी जेर बहस आया। शेर अफजल मरवत कहते हैं मेरे अपने लोग टांगे खींच रहे हैं। उमर अयूब और शिबली फराज ने वानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने थी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी अडियाला जेल में कैद रहेंगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के बाद उन्हें वहीं रोक लिया गया। समान शाम को मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से कजाकिस्तान के सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। तवानाई, कानकिनी और सन्नती शोबों में कजाकिस्तान की महारत से इस्तफादा किया जाएगा। कजाकिस्तान के सफीर का शोहदा के बच्चों के लिए तालीमी स्कॉलरशिप का ऐलान। मरीम नवाज को दौरे की दावत भी दी। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट खलाई मिशन IQ चांद के मदार में पहुंच गया। पहली तस्वीर मौसूल होने का इम्कान। चीन का चांगी 653 रोजा मिशन मुकम्मल करने के बाद 25 जून को वापस जमीन पर लैंड करेगा। मुबारक सफर शुरू होने का वक्त आ गया। सरकारी हज स्कीम के तहत पहली परवाज कल मदीना जाएगी। पहले रोज 11 परवाजों के जरिए 2,160 आजमीन रवाना होंगे। हज ऑपरेशन 9 जून तक जारी रहेगा। मई ने अपने रंग दिखा दिए। मुल्क भर में शदीद गर्मी, मिट्टी और दादू में पारा 47 डिग्री को छू गया। सक्खर में 42 डिग्री रिकॉर्ड। पीडीएमए ने पंजाब में रवा हफ्ते हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। 10 और 11 मई को जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशें मतवक्के। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में फौजी काफले के करीब खुदकुश धमाका, 6 अफराद जान बहक, 14 जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक खुदकुश बमबार ने मोटरसाइकिल काफले की गाड़ी से टकरा दी। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान छा गई। चौथे मैच में कनाडा को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। अबू मोहम्मद महमूद ने 2 गोल किए। कौमी टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त, 4 मैचेस में 3 जीते 1 बराबर किया।